तो हेलो दोस्तों। तो दोस्त कैसे है दोस्त? तो आशा करता हूँ सभी दोस्तों की सेहत अच्छी होंगे, आपकी दुआ से हमारे भी अच्छी है। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारे सामने आज ई रिक्शा का चार्जर आया है। ये मैकेनिक थ्रू आया है हमारा पास, ऐसे ही खोल के लेके आया। तो इसका जो फॉल्ट है दोस्तों, इसमें हम कोशिश करेंगे बताने के लिए। इसका जो फॉल्ट है, ये उसने जितना भी देखा है बहुत अच्छी तरह से देखा है, लेकिन इसमें पता नहीं लगा पाया कि किस लिए ये हो रहा है। तो डायरेक्टली हमारा पास लेके आया, तो हमने डीसी कनेक्शन हमने लगा कर रखा है, और एसी हमारा यहाँ पे है। एसी देने के बाद एसी जो बल्ब है वो ग्लू हो रहा है, लेकिन डीसी का बल्ब ग्लू नहीं हो रहा है। तो इसका रीजन क्या है वो हम ये जो 12 बल्ब से हम इसके यहाँ से हम चेक करेंगे। तो हमारा पास मल्टीमीटर अवेलेबल है, क्योंकि दोनों मल्टीमीटर हमारा पास है, एक डिजिटल वाला, इसमें कोई स्विच का प्रेस करने का कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये पावर बटन है। इसमें एसी डीसी या कंटिन्यू या होम्स क्या चेक कर सकते हो, ये एक ही है, एक ही स्विच की दौरान आप चेक कर सकते हो। तो इसको छोड़िए। तो इसमें दोस्तों हम पहले पहले हमारा स्टेप आता है, अगर मॉस्फेट सही है, पहला स्टेप बैटरी लगा दिया हमने, तो यहाँ पे नेगेटिव रखेंगे, और नेगेटिव वाले पॉइंट पे नेगेटिव रखेंगे, और पॉजिटिव वाले पॉइंट पे हम यहाँ पे जो जीना डाइट यानी डाइट लगा हुआ है 12 बल का, 12 बल का, और रेजिस्टेंस दिया हुआ है किलो का, इस तरफ हम चेक करेंगे वोल्टेज हमारा आया है या नहीं। देख सकते हैं एक पिन पे हमारा 12 वोल्ट आ गया है, 12 वोल्ट के ऊपर ही है, मान लीजिए 12 वोल्ट, और दूसरे पिन पे हमारा कुछ वोल्ट दिखा रहा है, 30, 29 वोल्ट ऐसे दिखा रहा है। तो किस लिए दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, वो हम जानेंगे इसमें। तो इसको जानने के लिए इसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, बैटरी को हम डिस्कनेक्ट कर दिया है, अभी इसमें कोई वोल्ट नहीं है। तो इसमें शॉर्टिंग की इशू है या नहीं वो हम चेक कर सकते हैं। तो मेरा लाइटर तो 12 वोल्ट का जो ये है ये चेक कर सकते हैं पहले, उसके बाद हम देखते हैं इसमें दोस्तों जीना डाइट एक सही है, एक कंटिन्यू आवाज आ रहा है। तो अच्छी तरह से दिखाऊं? तो इसको हम खोल के देख लेते हैं एक बार, आखिरकार ये शॉर्ट है या नहीं। तो हमारा आयरन भी हीट है, तो जल्दी से हम खोल लेते हैं इसको। अभी हीट हो गया, इतना हीट हो गया है, बहुत हीट हो गया है। इसको खोलने में थोड़ा सा ट्वीजर की मदद से खोलना पड़ेगा। ई रिक्शा का चार्जर आता है, लेकिन जो वीडियो बनाने का जो टाइम है वो हमको नहीं मिलता, इसीलिए आज भी एक कंट्रोलर आया था, कल परसों एक कंट्रोलर आया था, उसको भी हमने बना दे दिया। मॉस्फेट शॉर्ट था या रेजिस्टर शॉर्ट था, तो इसको हम मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं। तो अभी क्या समझा, समझ में आया कुछ? देखिए, अगर इस तरफ आपको सही है, इधर भी रेजिस्टर और डायोड लगा हुआ है, इधर भी इस तरफ सही है, तो इस तरफ बल्ब देने से बल्ब ग्लू नहीं हो रहा है, तो इधर से चेक करना पड़ेगा हमको,
इधर से चेक करते करते इस तरफ जाओ, बल्ट सही मिला है या नहीं। तो इसी दौरान हमको क्या करना है, एक डाइट लगाना है। तो हमारे पास अवेलेबल है डाइट, तो हमारे पास यहाँ पर करंट है या नहीं इसको हम एक बार थोड़ा सा है, थोड़ा सा मार दिया, अभी कोई बात नहीं, इसमें कोई डर नहीं। हमारा पास डाइट है, इसको हम डाइट लगा देते हैं एक बार, फिर से इसको चेक करने के बाद पता चलेगा ये चार्ज होगा या नहीं। तो इसको भी हम लगा ही देते हैं, जो रेस्टन खोला था किलो का रेस्टन है ये, इसमें पूछा नहीं कितना किलो का है तो हम बता नहीं। ये रेस्टन है किलो का, किलो समझ में आया नहीं आया? आया आया। किलो का मतलब क्या है? ओम्स का मतलब अलग वो अलग हो गया है, किलो का मतलब अलग हो गया है, तो बाद में पूछ लेना हम बता देंगे। अगर किलो का नहीं होगा तो यहाँ पे अगर ये जीना डाइट लगाएंगे तो भी ये 12 वोल्ट ही निकलेगा। क्या है? ठीक है ठीक है, ये काट लेते हैं। तो फिर से हम एक बार ट्राई करते हैं बैटरी कनेक्शन दे के। हमारा पास वैसा वाला 48 वोल्ट नहीं है, हम खुद बना के इसमें घुसाया है 48 वोल्ट, इसीलिए थोड़ा हैंग हो गया है। अभी सही आ रहा है, तो अभी सही आ रहा है, तो हम अभी इसमें कारण देकर हम चेक कर सकते हैं। तो मॉस्फेट का हिचिंग तो लगाया नहीं, तो इसमें दिखाओ, इसमें दिखाओ कैमरा की दिखाओ। आ गया ग्लू हो गया, ये वाला बैटरी वाला ग्लू हो गया। अभी देखते हैं फैन चलता है या नहीं। रिले तो कट कर दिया है, हो गया फैन चल रहा है, चल रहा है ओके। हीट सिंक नहीं लगाया, अभी ज़्यादा देर चला नहीं सकते क्योंकि मस्पेट गर्म हो जाएगा तो फट जाएगा। तो समझ में आया दोस्तों, हमारे यहाँ पे दो बढ़िया बढ़िया मेकर आता है, दोनों आज आया है, दोनों ही आज आया है, लेकिन ये एक मेकानिक का है, बहुत बढ़िया काम करता है, कोयल कभी काम करता है, हम जैसा काम करता है वैसा ही काम करता है। कभी कभार जो हैंग हो जाता है तब जाके काम की प्रेशर की वजह से थोड़ा सा हैंग हो जाता है, तो हमारा यहाँ पे आता है तो बहुत बढ़िया है। तो हो गया काम, हो गया। अब फाइनली चेक करते हैं, मस्पेट गर्म हो गया, देखो थोड़ा गर्म हो गया, ज़्यादा नहीं। क्या है, शॉर्ट कर दिया? कैसे शॉर्ट करेगा? थोड़ा सा इस तरफ क्या है, इस तरफ क्या है बताओ, इस तरफ एसी, एसी का, एसी का साइड मॉस्फेट मॉस्फेट है, इस तरफ डीसी, डीसी मतलब डायोड है, डायोड। तो उतना समझने का टाइम अभी तक नहीं है, अभी नहीं है क्योंकि कितना बजा भाई, देखो कितना बजा, 9:59 रात की बात। तो फिर से एक बार ट्राई करते हैं, बैटरी कनेक्शन सही है, आ गया सही है, बंद कर नहीं, बंद नहीं चलेगा, थोड़ा देर चलेगा, हीट सिंक नहीं, कोई बात नहीं, इतना तो हीट नहीं ना। हो गया, तो अभी कम्प्लीटली हो गया, अब तुम्हारा काम है। तो दोस्तों ये जो वीडियो था, छोटा सा वीडियो, और हमारा यहाँ पे आदमी है मौजूद, अभी कोई कस्टमर का कोई परेशानी नहीं है, तो इसीलिए ये वीडियो बनाना थोड़ा सा
बना लिया हमने, तो कैमरा इतना साफ नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों इसीलिए वीडियो तो बना पाया। तो दोस्तों सिंपल सा फंडा था, हमने पहले इस तरफ सेक नहीं किया, वो उसने बताया था बढ़िया है इस तरफ एसी आ रहा है, तो इसी से वोल्टेज सप्लाई रहता क्या आ रहा है, तो इस तरफ से थोड़ा गड़बड़ी था। तो एसी का बल्ब ग्लू हो रहा है, डीसी का बल्ब ग्लू नहीं हो रहा, तो इसी दौरान पहले स्टॉप यहाँ से यहाँ चेक कर लेना है बराबर बराबर बना रहा है या नहीं। उसके बाद बराबर बना रहा है तो थोड़ा सा इस तरफ से मीटर भी मीटर से चेक करना पड़ता है। अगर ये भी सही है, ये भी सही है तो भी चार्ज नहीं ले रहा है, दोनों बल्ब ग्लू हो रहा है। अगर कम ग्लू हो रहा है तो भी इस तरफ थोड़ा सा चेक करना है, इस तरफ सही है तो ये आईसी की फॉल्ट है। अगर यहाँ पे कोई रेस्टन या कोई टेंडस्टर कटा हुआ नहीं है तो आईसी चेंज कर दो, हो जाएगा। यहाँ से यहाँ वोल्टेज आ गया है तो जाके ये करना ये आईसी, और बराबर का जो ये टेंडस्टर है ये तो हमने तो अभी तक ख़राब नहीं मिला हमको। तो दोस्तों इस छोटा सा वीडियो हो रहा है लगभग 12 मिनट का। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट पर बता देना, और हमारे दोस्तों को हाय हेलो बोल दो, पहले भी बोल दिया था। तो ये हमारा एक मैकेनिक भाई बढ़िया काम करता है, हाय। तो ये भी एक सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और बेल आइकन भी दबाना। और तो थैंक यू दोस्तों, 12 मिनट, 1, 2, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।